अपने सोहम स्वभाव में, रोम रोम में रमे हुए राम स्वभाव में तू आजा। साधक सोचता है कि ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मुझे संसार स्वप्न जैसा लगेगा। उदालक को राज्य अभिषेक हुआ, होने की तैयारी है। राम जी को तो मंत्र और कई कई वनवास भेजने का कुप्लान किया था, लेकिन उदालक ने तो अपनी मति को समझाकर राज्य अभिषेक हो उसके पहले ही आत्म अभिषेक के लिए वन गमन कर लिया था। 16 वर्ष का राजकुमार सोचता है कि पिताजी ने राज्य भोगा, राज्य पिताजी ने नहीं भोगा, राज्य के सुखों ने पिताजी के शरीर को भोग डाला। अब बुढ़ापा हुआ है, लाचारी की जिंदगी आई है, लाचारी की जिंदगी आ जाए उसके पहले, शरीर लाचार हो जाए उसके पहले, शरीर के अध्यास से हम पार हो जाए, मृत्यु आंख मूंद ले हमारी उसके पहले, हम आत्म ध्यान के लिए आंख मूंद ले, कान बहरे हो जाए उसके पहले, हम महापुरुषों के वचन सुन ले, बुद्धि में दुर्बलता आ जाए उसी के पहले, बुद्धि के उद्गम स्थान में विश्रांति पाले। उदालक भागता भागता, रात भर भागता भागता, अरण की पगडंडियां नापता पहुंचा है घोर जंगल में। सूर्योदय होने को है, बाहर भगवान भास्कर प्रकाशित होने वाले हैं और भीतर विवेक जगा है। उदालक कोई शांत गुफा की खोज करता करता एक गिरी गुफा की ओर पहुंचा है। उदालक ने उस गुफा में घास बिछाया है, आसन बिछाया है, अपने मन को समझाता है। राजकुमार ए मन, तुझे बाहर का बहुत दिखाया, बहुत सुनाया, बहुत चखाया, अब तू ऐसा चखने की वासना छूट जाए, अब ऐसा अपने सोहम स्वभाव को जान ले कि जन्म मरण का चक्कर टूट जाए, अब तू ऐसी विश्रांति पा ले कि तेरी अमरता का तुम्हें साक्षात्कार हो जाए। हे मेरे मन, तेरी दो धारे हैं, एक तेरा छोर मुझ चैतन्य से स्फुरित होता है, दूसरा छोर इंद्रियों से जुड़ता है। मैं इंद्रियों से जुड़कर आज तक लाचार होता रहा तेरी बेवकूफी के कारण, अब मैं तुझे इंद्रियों के विकारों में नहीं, मुझ चैतन्य आत्मा निर्विकार में ले आ रहा हूं। तू जल्दी आ जा, मैं तू सहयोग दे, तेरा भला हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। उदालक मन को समझाते हैं, मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, प्राणायाम और ध्यान करके जिनका मन पावन हुआ है, वे वेदांत का अमृत पाकर अमरता का साक्षात्कार करते हैं। उदालक मन को समझाते हैं प्राणायाम आदि से मन की चंचलता कम करते हैं। मन जब प्राणों में लीन होता है तो समाधि निद्रा होती है, और प्राण जब मन में लीन होते हैं तो समाधि होती है, और दोनों जब पूर्ण सक्रिय होते हैं तब जागृत अवस्था आती है। मन को समझाते उदालक प्राणायाम के बल से मन को शांत करते हैं। प्राणायाम की 12 उंगलियों का फोर्स गति अगर एक उंगल कम होती है तो साधक के जीवन में निस्वार्थता जैसा सद्गुण आ जाता है, निष्कपटता,
पटुता, प्रसन्नता, सहजता, सरलता, निर्भयता आदि सद्गुण आने लगते हैं। श्वास की गति अगर दो उंगल कम चलने लगे, 12 उंगल में से 2 उंगल कम हो जाए, तो शास्त्र का ज्ञान प्रकट होने लगता है भीतर। न देखे न पढ़े, निगाह मात्र से शास्त्रों के रहस्य को समझने की क्षमताएं खुलती है। जब चिदावली जागृत होती है, प्रकाश पुंज दिखने लगते हैं, विकार अपने आप बिखर के गिरने लगते हैं और अंतर सुख में रुचि होने लगती है। इस प्रकार श्वास की 3 उंगल बाधित होती है, तब साधक के जीवन में सुंदर व्यक्तित्व, वक्तृत्व योग्यताएं, और वो चाहे तो सुंदर कथा कविताएं बना सकता है। कवित्व शक्ति खिलती है। कवि कालिदास ने रघुवंश काव्य आदि लिख रख दिए, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिख दिया। साधक का मन एकाग्र होता है तो प्राण की गति कम होने लगती है, अब मृत्यु टलती है, दीर्घ जीवन जीने की क्षमताएं बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, तन निरोग होता है, शरीर में विद्युत बढ़ने से, एकाग्र होने से विद्युत बढ़ती है, और शरीर में विद्युत बढ़ने से शरीर निरोग और स्फूर्तिदायी होता है। उदालक का शरीर निरोग, स्फूर्तिदायी और दिव्य विचारने वाला उसका चित्त हो गया। उदालक को कभी कंपन होता है तो कभी शांत बैठता है, कभी आंसू बहाता है तो कभी खिलखिलाकर हंसता है, कंदमूल पाता है। कभी कभी उसका मन पुरानी आदतों के अनुसार जगत का चिंतन करता है। फिर उदालक सावधान रहते हैं, मन के मनोराज्य को देखते हैं कि मन तू इधर उधर का चिंतन करता है, अब मैं तुझे देखने वाला हुआ हूँ, अब तेरे चिंतन में मैं बहूंगा नहीं, मैं तो अपने आप में आऊंगा, तुझे भी अपने आप में आने का भाग्य होना पड़ेगा। मैं मूर्छित होता हूँ तब तू मनोराज करता है। उदालक बार बार अपने मन को देखते हैं, समझाते हैं। मन को देखना और समझाना मानो मन को सत्ता देने का काम, बेवकूफी से जो चल रहा था उसको डिस्कनेक्ट करना, और मन को सत्ता देने का काम जितना कम होता है उतना ही मन मरने लगता है। मन जितना मरता है उतना अमनी भाव को प्राप्त होता है। जितना साधक अमनी भाव में आता है उतना ही वो सिद्धत्व के राज्य में प्रवेश करता है। महाभागशाली परम पुण्यात्मा राजकुमार उदालक बाहर का राज्य अभिषेक छोड़कर आत्मराज्य में प्रवेश कर रहा है। तुम भी करते जाओ। उदालक सोचते मैं शांत आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, संसार में बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े वीर योद्धा आए, कई कूटनीति से राज्य छीनकर सुखी होना चाहते थे, दुर्योधन और शाकुनी जैसे आए, भीष्म और युधिष्ठिर जैसे आए,
कंस और रावण जिससे आए एक इंसान सपने की सरिता में बह गए। ये हमारा करते करते आखिर तो इस वसुंधरा में समा गए।